नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम पाथफाइंडर में, जहां हम आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एडमिशन और वैकेंसीज से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अलर्ट्स लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई हैं, और ये जो वैकेंसी हैं ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से भरी जाएंगी। असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप और 5 अन्य पोस्टों के लिए वैकेंसी जारी की गई हैं। तो इसके बारे में मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगी, तो वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो जिन पोस्टों के लिए वैकेंसी जारी की गई हैं दोस्तों, वो है असिस्टेंट डायरेक्टर, जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, प्रोग्रामर, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिशियल लैंग्वेज और प्लानिंग असिस्टेंट। अधिक जानकारी जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फी, पैटर्न एनेक्सर्स, प्लेस ऑफ पोस्टिंग और अन्य के लिए आप नीचे दिए गए अटैचमेंट को गो थ्रू कर सकते हैं। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आप हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पे विजिट करके डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो कुछ इस तरह से है दोस्तों, जो फॉर्म फिलिंग की स्टार्टिंग डेट है वो है 11 जून 2022, यानी कि इसकी जो एप्लीकेशन की जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 11 जून 2022 से स्टार्ट हो चुकी है, और जो इसकी लास्ट डेट है यानी कि जो इसकी क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, वो 10 जुलाई 2022। तो आप 10 जुलाई 2022 शाम 6 बजे तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो टेंटेटिव स्केड्यूल है वो है 1 सितंबर 2022 से 30 सितंबर 2022। जो भी डेट्स दी हुई हैं वो टेंटेटिव हैं, और कोई भी सिचुएशन होती है अगर बियॉन्ड कंट्रोल, तो ये डेट जो है वो किसी भी समय चेंज की जा सकती हैं। जो भी चेंजेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको DDA की ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.dda.gov.in पे आपको रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहेंगी। एप्लीकेशन वो जो है वो ऑनलाइन है, तो कैंडिडेट को अप्लाई करना होगा ऑनलाइन DDA की वेबसाइट पे जाके, जो है www.dda.gov.in। इस लिंक पे जाके आपको जॉब्स सेक्शन पे जाके सिलेक्ट जॉब कैटेगरी, और उसके बाद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022 के सेक्शन पे जाके जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं उनको अप्लाई करना होगा। तो असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप के लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए, लैंडस्केप आर्किटेक्चर में डिग्री होनी चाहिए आर्किटेक्चर में, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट की, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए बोटैनी में, या फिर एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से। साथ ही 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लैंडस्केप प्लानिंग और रिस्पॉन्सिबल कैपेसिटी में। जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए अप टू 35 ईयर्स, और जो पे मैट्रिक्स है वो है लेवल 10। इसके लिए जो वैकेंसी निकली है इस पोस्ट के लिए वो है 1 वैकेंसी। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए जो टोटल वैकेंसी निकली है वो है 220। जो एजेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, और एज होनी चाहिए 18 से 27 साल के बीच में। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए 35 वैकेंसी निकली है, डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, और एज होनी चाहिए 18 से 27 साल के बीच में। पे मैट्रिक्स होना चाहिए लेवल 6। प्रोग्रामर की जो पे मैट्रिक्स है वो है लेवल 6। एज जो है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग कॉलेज और इंस्टीट्यूट से, या फिर मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग और कॉलेज और इंस्टीट्यूट में। जिस इस पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकली है वो है 2 वैकेंसी। जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए जो एज होनी चाहिए वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पे मैट्रिक्स है लेवल 6। इसके लिए जो टोटल वैकेंसी निकली है वो है 6, और क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंस से हिंदी में इंग्लिश के साथ, और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री लेवल पर, या फिर मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और इक्विवेलेंस से इंग्लिश में हिंदी के साथ, और ये दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए डिग्री लेवल पर। प्लानिंग असिस्टेंट के लिए जो पे मैट्रिक्स है वो है लेवल 7। एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए प्लानिंग और आर्किटेक्चर में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से। इसके लिए जो टोटल वैकेंसी निकली है वो है 15। तो जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी निकली है वो है 279। तो काफ़ी सारी वैकेंसीज निकली हैं। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द अप्लाई करें दोस्तों। प्लेस ऑफ पोस्टिंग है दिल्ली। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं उनको इंश्योर करना होगा कि वो जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हों। जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 10 जुलाई 2022 शाम 6 बजे तक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा ऑनलाइन, लॉगिन करके जो लिंक प्रोवाइड किया जाएगा उससे कैंडिडेट को लॉगिन करना होगा। वो जो लिंक है वो DDA की वेबसाइट पर कैंडिडेट को मिल जाएगा, और उसके बाद कैंडिडेट को लॉगिन करके अप्लाई करना होगा। एज रिलैक्सेशन की बिना शेड्यूल का और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है 5 साल का, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए है 3 साल का, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए है 10 साल का,
क्या एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो है 1000 रुपये सारी पोस्ट के लिए। वुमेन कैंडिडेट्स और जो भी कैंडिडेट्स शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स PWPD और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से हैं उनके लिए फ़ीस खारिज कर दी गई है। और जो एप्लीकेशन फ़ीस है 1000 रुपये वो उसका जो मोड ऑफ पेमेंट है वो कुछ इस तरह से इंटरनेट बैंकिंग SBI इंटरनेट बैंकिंग और उसके एसोसिएट बैंक से कर सकते हैं। डेबिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं, रुपे वीज़ा मास्टर डेबिट कार्ड अन्य। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गिवन है कि आप किस किस तरह से एप्लीकेशन फ़ीस पे कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे गिवन है, एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में जानकारी गिवन है, तो आप इस नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर पढ़ें। अप्लाई कैसे करना है उसकी जानकारी यहाँ पे गिवन है, तो आप इसको एक बार स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं या फिर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। स्टेप्स गिवन है यहाँ पे अप्लाई करने की, कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा, उसके बाद जॉब्स पे जाके सिलेक्ट जॉब कैटेगरी पे जाके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे जाके वो अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी एप्लीकेशन विड्रॉल के लिए। अगर कैंडिडेट ने एक बार अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी है उसके बाद किसी भी सर्कमस्टांसिस में एप्लीकेशन विड्रॉल नहीं होगी दोस्तों। इस तरह से यहाँ पे सिलेबस गिवन है, तो आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू करें और अप्लाई करने से पहले इसे एक बार ज़रूर पढ़ें, यहाँ पे आपको सारी जानकारी पोस्ट के हिसाब से भी मिल जाएगी। दोस्तों मैंने आपको इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी सुनिश्चित कर दी है। आप चाहें तो इस इवेंट को शेयर कर सकते हैं शेयर बटन पर क्लिक करके फेलो कैंडिडेट्स के साथ, और इससे रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप इस इवेंट को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, या डिस्कशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म पर विजिट करके डिस्कस बटन पर क्लिक करके हमारे प्लेटफॉर्म community.exampathfinder.com पर विजिट कर सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं आप लोग की मदद के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो या डिस्कशन स्टार्ट करना चाहते हो तो राइट रिप्लाई सेक्शन पे जाके रिप्लाई करके इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं फेलो कैंडिडेट्स के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको अधिक इन्फॉर्मेशन मिल पाई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।